आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से आपके कौन से बेसिस जो है सिर्फ और सिर्फ टू के टू ग्रुप्स को कंसिस्ट करते हैं, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर मुझे सबके स्ट्रक्चर देखने होंगे। सबसे पहले क्या है आपका एडेनिन, राइट? सो देखो एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या है, कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ लगा हुआ एन एच टू एन एन, राइट? यहाँ एच, सो दिस इज योर एडेनिन। सो इसमें से कोई भी कीटो ग्रुप नहीं है, सो ये तो नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ग्वानिन की, ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है आपका। फाइन, ग्वानिन का स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो इसमें आपके पास क्या सिर्फ एक ही कीटो ग्रुप है, सो ये भी नहीं होगा आपका, क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ आपका है थायमिन, थायमिन में आपके पास क्या है, थायमिन का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, क्लियर? यहाँ है आपके पास सी एच थ्री, फिर मेरे पास यहाँ पर लगाते हैं डबल बॉन्ड ओ, यहाँ है डबल बॉन्ड ओ, और ये आपको कुछ इस टाइप से, यहाँ है नाइट्रोजन और यहाँ लगा हुआ एच, क्लियर? सो ये थायमिन है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि दो कीटो ग्रुप्स हैं, सो मतलब यही आपका क्या है फाइनल आंसर होने वाला, दैट इज ऑप्शन थर्ड। बिकॉज अगेन देखो साइटोसिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सो साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है, क्लियर? ये एन एच टू है यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, तो साइटोसिन में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड ऑक्टेटोन होता है, सो ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन थर्ड ही आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।